नमस्कार दोस्तों, डीडी साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने भारत के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के बारे में जाना और पाया कि भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि सर जेसी बोस की पहली पसंद भौतिकी नहीं बल्कि जैव विज्ञान था। बचपन से ही जैव विज्ञान से पैदा हुए लगाव के कारण ही उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करने की ठानी, लेकिन आगे इस विषय में वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए और भौतिकी पढ़ने लगे। क्या थी इसकी वजह, आइए जानते हैं। जरा उस समय की कल्पना करें जब जगदीश चंद्र बोस ने बिना किसी आधुनिक साधन के 1890 के दशक में कलकत्ता में कार्यरत रहते हुए अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध से दुनिया को चौंका दिया था। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र बोस का योगदान दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहा। पहला, बहुत छोटी तरंगे उत्पन्न करने का तरीका दिखाया और दूसरा, हेनरिक हर्ट्ज के अभिग्राही या रिसीवर को एक उन्नत रूप दिया। उन्नीसवीं शताब्दी का अंत होते होते जगदीश चंद्र बोस की शोध रुचि विद्युत चुंबकीय तरंगों से हटकर जीवन के भौतिक पहलुओं की ओर होने लगी, जिसे आज जीव भौतिकी या बायोफिजिक्स कहते हैं। असल में जीव विज्ञान में उनकी रुचि बचपन से ही थी, इसी कारण बाद में उनका झुकाव जीव भौतिकी या बायोफिजिक्स की ओर हुआ। जब वो छोटे थे तब उन्हें तरह तरह के कीड़े मकोड़े और मछलियां पकड़ने का शौक था। उनका बचपना गांव रारीखल में गुजरा, जो अब बांग्लादेश में है। उन्हें पानी में रहने वाले सांपों को भी पकड़ने का शौक था। उन सांपों को देखकर उनकी बड़ी बहन अक्सर डर जाया करती थी। अब जगदीश चंद्र बोस कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंच गए। जेब खर्च के पैसों से वो कई तरह के छोटे मोटे जानवर अपने घर में पालते थे। जैविकी से इतना लगाव होते हुए भी जगदीश चंद्र बोस की रुचि भौतिक विज्ञान में पढ़ने लगी, और इसका मुख्य कारण था सेंट जेवियर्स कॉलेज में फादर लेफों के भौतिक विज्ञान के मजेदार लेक्चर। लेकिन दिल ही दिल में जैव विज्ञान के अध्ययन की लालसा भी थी, इसीलिए जब फैसले का समय आया तो इंग्लैंड जाते वक्त डॉक्टरी पढ़ने के बारे में ही सोचा। लंदन में अभी एक ही साल गुजरा था कि उन्हें बार बार बुखार आने लगा। अपने प्रोफेसर की सलाह पर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और साइंस पढ़ने लगे। अंततः उन्होंने भौतिकी को अपने शोध का केंद्र बिंदु बनाया, क्योंकि बोस लॉर्ड रैले से बहुत प्रभावित थे, जिसकी शुरुआत कलकत्ता में फादर लेफों के शिक्षण से हुई थी। भौतिक विज्ञान में शोध करते हुए उन्होंने देखा कि अक्रिय पदार्थों और सजीवों के व्यवहारों में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। १९०१ से जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में जैव विद्युत स्थितिज यानी बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हरकत का अध्ययन प्रारंभ किया। उनका ये मानना था कि सजीवों और निर्जीवों या अक्रिय पदार्थों के रास्ते कहीं ना कहीं आपस में मिलते जरूर हैं,
और इस मिलन में विद्युत चुंबकीय तरंगें एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती हैं। अगले 30 साल में जगदीश चंद्र बोस ने पादपीय कोशिकाओं पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया। उनके प्रयोग इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे कि संभवतः सभी पादपीय कोशिकाओं में उत्तेजित होने की क्षमता होती है। ठंडक, गर्मी, काटे जाने, स्पर्श और विद्युतीय उद्दीपन के साथ साथ बाहरी नमी के कारण भी पौधों में क्रिया स्थितिज यानी एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो सकता है। असल में इस चिंतन का आधार था आचार्य जेसी बोस द्वारा अभिग्राही पर शोध कार्य। उन्होंने देखा कि उनके अनुसार अभिग्राही की दक्षता में कमी तब आती है जब वो बार बार संकेत प्राप्त करते करते थक जाते थे, और जीवों में भी ठीक ऐसा ही होता है। पादपों की जैविक क्रियाओं पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रभाव के शोध कार्य को अगर समझना हो तो ये देखना पड़ेगा कि 1900 से 1932 के बीच इस क्षेत्र में क्या हो रहा था। उन्होंने ऐसे संवेदनशील यंत्र बनाए जो पादपों की अति सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को भी रिकॉर्ड कर सकते थे, चाहे वो क्रियाएं भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय हों। ১৯০১ से जगदीश चंद्र बोस ने पौधों पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया, और इस कार्य के लिए जिन पौधों का उन्होंने चयन किया वे थे छुई मुई यानी माइमोसा प्यूटिका और डेस्मोडियम गाइरेंस यानी शालपर्णी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस को विश्वास था कि सजीवों और निर्जीवों के इस मिलन में विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक विशेष स्थान है। जगदीश चंद्र बोस ने कुछ ऐसे पौधों का चयन किया जो उद्दीपन अर्थात स्टिमुलाई से पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो सकते थे। ये माइमोसा प्यूटिका है जिसे छुई मुई और लाजवंती भी कहते हैं। अगर इनकी पत्तियों को छुएं तो ये एक दूसरे पर झुकने लगती हैं, और इस प्रतिक्रिया को तकनीकी भाषा में स्पर्शानुवर्तन यानी थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, जिसने जगदीश चंद्र बोस को एक गहरी सोच में डाल दिया, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी प्रतिक्रिया क्रिया विभाव या एक्शन पोटेंशियल के कारण होती है। इस उपकरण पर काम करते हुए जिसे संस्पंदन रिकॉर्डर यानी रेजोनेंट रिकॉर्डर कहा जाता है, जगदीश चंद्र बोस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पत्तियां जब मुड़ती हैं तो इसका विद्युतीय प्रभाव तनों तक भी पहुंचता है, और जब ये विद्युतीय संकेत ऊपर और नीचे की दिशाओं में चलते हैं तो दूसरी पत्तियां भी मुड़ने लगती हैं। और ये देखिए विद्युतीय प्रभाव किस तरह एक धातु की बनी एक पतली कलम नुमा चीज से रिकॉर्ड की जा सकती है।
आज वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि क्रियास्थितिज या एक्शन पोटेंशियल 20 से 30 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। अब देखिए एक दूसरा अद्भुत पौधा, शालपर्णी यानी इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। यह पौधा अपनी पत्तियों में एक अद्भुत घुमाव पैदा करता है यदि ध्यान से देखा जाए। इसे ध्यान से देखें, इन छोटी पत्तियों को आप इन्हें साफ तौर से नाचते हुए देख सकते हैं। इसकी निचली छोटी पत्तियां ऊपर से नीचे घूमती हैं। जैसे माई मौसा के पौधे पर प्रयोग किया, वैसे ही आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने यह निश्चित किया कि विद्युतीय दोलन और स्वतः गति का मेल हम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट या डिस्मोडियम गायरेंस में भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी निचली छोटी पत्तियां ऊपर से नीचे घूमती हैं। तो देखा आपने पौधों पर अपने शोधों और उपकरणों के द्वारा सर जेसी बोस ने किस तरह से नए कीर्तिमान रचे। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। दोस्तों, अगर आज हम ये कहें कि पौधों में जान होती है और वो भी हमारी तरह महसूस कर सकते हैं तो हर कोई इस बात को मान जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है इस बात को सिद्ध किसने किया था? जी हाँ, इसे सिद्ध करने वाले सर जेसी बोस ही थे। इसके पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है, चलिए जानते हैं। आचार्य जेसी बोस ने डेस्मोडियम गायरेंस के विद्युतीय स्पंदन यानी पल्सेशंस को जीवों की हृदय गति से तुलना करने के लिए संस्पंदन रिकॉर्डर का प्रयोग किया। जगदीश चंद्र बोस ने आगे बताया कि पौधों में उद्दीपन का प्रभाव टगर प्रेशर यानी स्फीति दबाव और कोशिकाओं के फैलाव से जुड़ा हुआ है। पौधों में स्वतः गति के अध्ययन के अलावा आचार्य जगदीश चंद्र बोस और भी आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने पाया कि पौधों में धीमी गति से हो रहे विकास को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। औसतन एक सेकंड में पौधे का एक इंच का 100,000वां हिस्सा बढ़ता है, तो इसे नापा कैसे जाए? ये वृद्धि दर बहुत ही कम है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने खुद ही एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जो कि इस धीमी गति से हो रही वृद्धि को नाप सकता था और उन्होंने उसे क्रेस्कोग्राफ कहा। यहां वो विभिन्न प्रयोगों के लिए पौधों को लगाते थे। और ये उपकरण पौधों की वृद्धि को स्वतः 10,000 गुना बढ़ाकर रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता था। पौधे सीधी रेखा में नहीं बढ़ते, ये टेढ़े मेढ़े पड़ते हैं, इसलिए इस काले कांच के टुकड़े पर बनी बिंदुओं की लाइन सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी है। यहां एक बिंदु
समय के एक क्षण में हुए पौधे में वृद्धि को दर्शा रहा है। ये दो तीलियां पौधों की अति धीमी वृद्धि का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन करती हैं, जो दूसरी तीली के मुड़े मुहाने से काले कांच के टुकड़े पर बिंदुओं की तरह अंकित होते हैं, जिसे एक घड़ी यंत्र व्यवस्था घुमाती है। घर्षण को कम करने के लिए आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने कांच के टुकड़े को इस तरह लगाया कि वो आगे पीछे चल सके और दाएं बाएं चल सके। इस उपकरण का प्रयोग पौधों पर तापमान और प्रकाश के प्रभाव के अध्ययन के लिए भी हुआ। उन्होंने पौधे की वृद्धि में जहर और विद्युतीय प्रवाह का भी असर देखा। इस उपकरण का प्रदर्शन पूरी दुनिया में आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने सन 1914 से शुरू किया। ऐसे प्रयोग जगदीश चंद्र बोस ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जब दिखाए तो वहां के वैज्ञानिक अचंभित रह गए, क्योंकि दुनिया में कहीं भी किसी ने इससे पहले जीव विज्ञान में ऐसा कार्य नहीं किया था। इस प्रसंग में एक दिलचस्प बात यह हुई, जब जगदीश चंद्र बोस ने यह दर्शाना चाहा कि पौधों में हमारी तरह ही दर्द का एहसास होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। अगर उन्हें काटा जाए और अगर उनमें जहर डाल दिया जाए तो वो मर भी सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक और जाने माने जन समूह के समक्ष जब जगदीश चंद्र बोस ने एक पौधे में जहर का एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि अभी आप सभी देखेंगे कि इस पौधे की मृत्यु कैसे होती है, जगदीश चंद्र बोस ने प्रयोग शुरू किया, जहर का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन पौधे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो परेशान जरूर हुए, लेकिन अपना संयम बरतते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर इस जहरीले इंजेक्शन का एक सजीव अर्थात इस पौधे पर कोई असर नहीं हुआ तो दूसरे जानदार यानी मुझ पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही जगदीश चंद्र बोस खुद को इंजेक्शन लगाने लगे तो अचानक दर्शकों में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अपनी हार मानता हूं मिस्टर जगदीश चंद्र बोस, मैंने ही जहर की जगह एक मिलते जुलते रंग का पानी डाल दिया था। जगदीश चंद्र बोस ने फिर से प्रयोग शुरू किया और पौधा सभी के सामने मुरझाने लगा। जेसी बोस द्वारा रिकॉर्ड किए गए पौधों में वृद्धि की अभिरचना आज आधुनिक विज्ञान के तरीकों से भी सिद्ध हो गई है। पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव का अध्ययन, जिसकी बुनियाद जेसी बोस ने डाली थी, आज क्रोनोबायोलॉजी कही जाती है। क्रोनोबायोलॉजी का विज्ञान जीवों पर विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के लयात्मक सामंजस्य का ऐसा अध्ययन करता है जो जीव विज्ञान को अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य और कृषि से भी जोड़ता है। तो इस तरह जेसी बोस ने पौधों में होने वाले क्रियाकलापों का ऐसा सजीव चित्रण किया जिसे आज भी न सिर्फ सराहा जाता है बल्कि आधुनिक विज्ञान में काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। दोस्तों
दोस्तों जिस समय तक भारत में ऐसे शोध कार्यों के बारे में सोचा तक नहीं जा रहा था, सर जेसी बोस ने बेहद कम सुविधाओं के बीच अपने प्रयोगों को अंजाम दिया और सफलता भी हासिल की। एक दूसरा अध्ययन क्षेत्र जिसने आचार्य जेसी बोस को आकर्षित किया और वो था पौधों में जड़ों से तनों, पत्तियों और फुंगियों तक पानी का ऊपर चढ़ना। दरअसल पौधे जो पानी सोखते हैं वो केवल पानी नहीं बल्कि उसमें अनेक प्रकार के कार्बन तथा अकार्बनिक अवयव भी होते हैं और यही कारण है कि इस प्रक्रिया को पानी का चढ़ाव अर्थात एसेंट ऑफ वाटर ना कहकर रस का चढ़ाव या रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। यहां देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप देख पाएं कि पौधे के किन अंगों से रस ऊपर चढ़ते हैं। यहां देखिए, पौधे के इन हिस्सों को जाइलम कहा जाता है। ये पौधे के ऐसे ऊतक यानी टिश्यू हैं जिनसे तरल का बहाव संभव है और यही कारक है तरल के चढ़ाव का। रसारोहण का कारण होता है तरल के बहाव में सिकुड़न और फैलाव। आचार्य जेसी बोस का ये मानना कि पौधों में जैविक लक्षण अपने विशिष्ट प्रज्ञावान रूप में अभिव्यक्त होते हैं, आज इस तथ्य को धीरे धीरे स्वीकृति मिल रही है। विडंबना यह है कि वर्तमान में हो रहे विकास को जेसी बोस ने 100 साल से कहीं पहले देख लिया था, जबकि उनके जीवन काल में बुद्धिजीवियों द्वारा इस तथ्य का स्वीकार करना कठिन हो रहा था। 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्ति के पश्चात जगदीश चंद्र बोस एमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर बहाल हुए, जहां उन्हें अपना शोध कार्य जारी रखने की अनुमति भी मिली। उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रयोगशाला को अपने घर पर स्थानांतरित कर दिया, जो कि साइंस कॉलेज के बगल में था। 2 ही साल बाद यानी 1917 में अपने घर की उत्तर दिशा में वो एक शोधशाला स्थापित करने में सफल रहे। ये शोध केंद्र था उत्तरी कलकत्ता में अपर सर्कुलर रोड पर, जिसे अब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड कहा जाता है। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 30 नवंबर सन 1917 में हुई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक इस संस्था के निदेशक रहे। उनका देहांत सन 1937 में हुआ। कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट के मेन कैंपस से 3 घंटे सफर के बाद फालता नाम के इस गांव में ये है बसु विज्ञान मंदिर, ग्रामीण बायोटेक्नोलॉजी केंद्र। और अगर आप कोलकाता बंदरगाह से अंडमान टापू की तरफ जा रहे हैं तो गंगा किनारे इस महल को देखिए, जहां आचार्य जेसी बोस कभी कभी रहा करते थे और चिंतन मनन करते थे। एक जेसी बोस बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर भी है कोलकाता के पास मध्यम ग्राम और श्यामनगर में। बोस इंस्टीट्यूट में आज अनेक पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल शोध कार्य प्रगति पर हैं। बोस इंस्टीट्यूट में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी कल्पना आचार्य जेसी बोस के अथक प्रयासों के बिना नहीं की जा सकती। उन्होंने न केवल भारतवासियों के लिए एक नई राह रोशन की बल्कि वो दुनिया के लिए भी एक पथ प्रदर्शी रहे। Thank you.
सर जेसी बोस के वैज्ञानिक योगदानों की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। फिलहाल आज का हमारा यह सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हमारा और आपका ये वैज्ञानिक सफर यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। DD Science. Today we will talk about the life of famous Satyendranath Bose, his contributions in the field of science. Satyendranath Bose was an Indian physicist specializing in theoretical physics. He is best known for his work on quantum mechanics in early 1920s, providing the foundation for Bose-Einstein statistics and theory of the Bose-Einstein condensate. A fellow of the Royal Society, he was awarded India's second highest civilian award, the Padma Vibhushan, in 1954 by the Government of India. On 1st January 1894, a man was born in this house in North Calcutta who would change the face of physics and whose name would forever be associated with that of Albert Einstein, Satyendranath Bose. His parents, Surendranath and Amodini Devi, belonged to the middle-class educated Bengali society. This is Bose's native place, where there is now a primary school in his memory. Bose first went to normal school and then to the Hindu school. He passed his entrance examination in 1909. While in school, his mathematics teacher, Upendra Bakshi, once gave him 110 out of 100 in a maths test and predicted that one day Satyan would be a great mathematician like Laplace and Cauchy. The year 1905, when Satyan was only 11, was a turning point in the history of Bengal. Lord Curzon partitioned Bengal on 16th October, triggering widespread protests. It left a lasting impression on the young boy. After school, Satyendranath went to Presidency College, where he met his lifelong friends, Meghnad Saha, Gyan Chandra Ghosh, Prasant Chandra Mahalanobis, Gyanendranath Mukherjee, and Nikhil Ranjan Sen. He had distinguished teachers like Jagadish Chandra Bose and Prafulla Chandra Ray. He stood first in the BSc honours in 1913 and the MSc examination in mixed mathematics in 1915. His MSc mark sheet has become legendary. His friend Meghnad Saha, who would revolutionise astrophysics soon, stood second. He married in 1914. In 1917, Satyendranath and Meghnad were recruited by Sir Ashutosh Mukherjee, the Vice-Chancellor of Calcutta University, as lecturers in physics and applied mathematics in the newly established University College of Science. They were the first in the world to translate Einstein's papers on relativity from German to English, and these were published in 1919 by Calcutta University as a book titled The Principle of Relativity with a historical introduction by P.C. Mahalanobis.
Bose's first scientific papers were published, some in collaboration with his friend Meghnad Saha, during the years 1918 and 1920. The University of Dhaka, established by the British government, started functioning in 1921. Bose joined Dhaka University the same year as reader in physics with his friend Ganchandra Ghosh as a colleague in chemistry. This is the house in Dhaka, now demolished, where he lived. There was a crisis in physics towards the end of the 19th century and the beginning of the 20th. It came about through careful studies of what's called black body radiation. Now, a black body is something that absorbs all the energy that falls on it. When you heat a body, it first becomes red hot and then eventually white hot, when the light coming out of it has all the colors of the rainbow in it in equal measure. Each color carries a certain amount of energy. These curves show us how the energy is distributed among the colors. This one is the spectrum when the body is red hot. The dominant energy is emitted in the red color. As you increase the temperature, the maximum shifts towards the ultraviolet. The problem is that classical theory predicts that a black body should radiate infinite energy from the ultraviolet region. That is, of course, absurd. And the experimental curves actually turn down in the ultraviolet region. So there is a clear contradiction with the established classical theory. This came to be known as the ultraviolet catastrophe. Towards the end of the 19th century, Max Planck of Germany wrote down the formula that correctly describes these experimental curves. It was an inspired guess. It had two parts. The first part follows from classical physics, but not the second. It is the second part that makes the curves go down and avoids the ultraviolet catastrophe. The question that arose was, what sort of physics would give rise to this second factor? Planck suggested that the second factor implies that energy cannot be absorbed or emitted by a body unless it comes in packets of a minimum amount he called a quantum. So a body is like a high-rise building. If you want to throw a ball into a flat on the first floor, you have to give it a minimum amount of energy. Otherwise, it won't reach the first floor. If you want to throw it to the second floor, you have to give it twice that minimum energy, and so on. Obviously, it follows that a ball falling from the fifth floor, say, to the ground, will have five times the minimum energy, and so on. From this simple assumption, Planck managed to derive the second factor. That was the first step in the quantum revolution. In 1905, Einstein introduced the second step in this revolution. Through a remarkable analysis of the Planck formula, he showed that light must travel both as waves and as a stream of point-like particles, like tiny bullets. We call them photons now. He showed that it immediately gives a very nice explanation of the photoelectric effect. When light falls on metals, electrons are immediately emitted. Their number depends on the brightness of the light, but their energy increases as the light becomes more and more blue. This cannot be explained by classical wave theory. This was the beginning of the famous wave-particle duality. How do you make sense of that? Waves are spread out and interfere to produce patterns, whereas particles are point-like things that do not produce such patterns. Some scientists immediately pointed out that Einstein's bullet-like photons contradicted Planck's law. Now, this was shocking to Einstein. How can something that follows from Planck's law contradict it? So this was a crisis for Einstein's theory. This led to a number of attempts to give a more satisfactory derivation of Planck's law. Planck himself, Debye, Einstein,
Pauli, and Einstein and Ehrenfest, all of them came up with their own derivations. This was the state of physics when Bose began to teach quantum theory in Dhaka University. He found it very difficult to teach because he found all these derivations suffered from a basic logical fallacy. Each derivation took the first factor from classical theory and gave different arguments to get the second factor. Soon, Bose came up with a derivation of the entire Planck formula from quantum theory, including the first factor. His derivation showed that photons were not bullet-like, as Einstein had assumed, but somewhat diffuse. And that meant that they had to be counted differently from ordinary particles like bullets and billiard balls. That was the beginning of a new form of statistics, quantum statistics. See, after he was able to give this new derivation of Planck's law, he sent his paper to a philosophical magazine in England, but they rejected his paper. So then he sent it to Einstein with a covering letter in which he explained what he had done and requested Einstein to have this paper published in some German journal. So Einstein was so impressed by this paper, he immediately translated the paper himself into German and got it published in a very famous German journal called Zeitschrift für Physik. And he added a footnote in which he said that he considered Bose's counting a very important step forward and that he would show himself in future publications how Bose's method of counting was applicable to gases. And that was the beginning of what is called the quantum theory of gases. Armed with Einstein's strong endorsement, Bose set sail for Paris later in 1924, where he stayed for one full year. Refused by Madame Curie, who assumed Bose did not know French well enough to work in her lab, he worked for 6 months with Prince Maurice de Broglie, the elder brother of Prince Louis de Broglie, who was then setting up his X-ray crystallography lab in an abandoned horse stable in his stately home. After 6 months, when Madame Curie was satisfied that Bose knew sufficient French to work in her lab, Bose worked in the world-famous Radium Institute in Paris for 6 months. This enabled Bose to do important work in chemistry on his return to Dhaka. After a year, Bose went to Berlin and met Albert Einstein for the first time in November 1925. He had many discussions with Einstein and became very friendly with several prominent scientists of the time. He returned to Dhaka in 1926 and was appointed a professor of physics. Back to his home ground, he set about developing the physics department and built a fine X-ray crystallography laboratory. He also worked in chemistry and wrote a number of papers during this period up to 1943. He became the Dean of Dhaka University and the Provost. What an interesting story. We will know more about Mr. Bose after a very short break. Please don't go away. Welcome back. Let's continue our quest to know more about the life of Dr. Satendranath Bose. To understand Bose's method of counting, let's take these three little bowls and two identical balls. Now, in how many ways can I arrange these two balls in these three bowls? I can put both of them in this one, that's one arrangement, or in this one, that's two arrangements, or I can put them in the third one.
So these are three possible arrangements. Or I could put one here and one here, that's the fourth arrangement. Or this one here and that one there. Or one here and one there, that's the sixth arrangement. Now these are the six possible arrangements of two balls in three bowls. But classical objects like these balls, they can be tracked. For example, if I have these two balls in this bowl and I interchange their position, then that's a new arrangement. So for every one of those six arrangements that I showed, you can get another arrangement by interchanging the balls. So there are 12 possibilities. However, Bose showed that in order to get Planck's law, one has to assume that interchanging balls like this does not produce a new arrangement. Now, what does that mean? That means that unlike these balls, whose path you can follow, these are classical balls, but photons have to be different. If you interchange two photons like this, it does not produce a new arrangement. What does that mean? That means that you cannot actually keep track of photons like this. And that is only possible if photons have some kind of a wave associated with them so that you cannot localize them. And these two photons have their waves overlapping, so you don't know where a particular photon is. And that is the basis of Bose statistics. Now, what is the difference between Bose statistics and Fermi-Dirac statistics? You see, in Bose statistics, you can put as many balls as you like in a particular bowl. It doesn't matter. But in Fermi-Dirac statistics, you cannot put more than one ball in each bowl. A Fermi-Dirac bowl cannot have more than one ball. Whereas photons, pions, kaons, W, Z, Higgs, they are like that. You can put as many as you like in one bowl. This is Bose statistics. This is why when you cool this down to a very, very low temperature, then they all become just one object. They lose their identity. You cannot say, this is this ball, that's that ball, that's that ball. No. In that state, all of them, hundreds and thousands of them, make one state. And that's called a Bose-Einstein condensate. There are only two classes of particles that make up matter and energy. Bosons, like photons, pions, kaons, W, Z, helium atoms, etc., and fermions, like protons, neutrons, quarks, electrons, muons, and so on. Many Nobel Prizes have been awarded, all based on this fundamental work which was done by Bose way back in 1924 in Dhaka. Let us now go to the Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai to see some of the labs there engaged in research on Bose-Einstein condensates, superfluidity, and superconductivity. So this is a device which is called the dilution refrigerator, which uses the principle of superfluid helium-4. Helium-4 is a neutral, has a neutral charge and no spin. It undergoes a superfluid transition at 2.1 Kelvin. And this superfluid transition is coming because of Bose condensation. Bose-Einstein condensation happens only to bosons, particles with integer spin values.
in the 1960s, when the standard model of particle physics was being developed, there was a problem. The theory demanded that all the particles had to be massless, but then they would flow off with the speed of light, and no solid matter would be formed. So there was a need for a new kind of particle which would give mass to all the other particles so that the universe could be formed. And that new particle had to be a boson. And it was named the Higgs boson after Peter Higgs of Edinburgh. After a long search, the Higgs boson was eventually discovered in July 2012 in the Large Hadron Collider at CERN. Wow, what a great and learned man. Such people are actually a blessing to the society. I will take a quick break and come back. Can't wait to know more about Mr. Bose. Welcome back. Let's continue with the life and works of Mr. Satyendranath Bose. Bose visited various parts of the world, presenting his research, and took active interest in the development of several national laboratories and institutes in India to lay a strong foundation of scientific research in the country. He was appointed the president and advisor of several national laboratories, like the National Physical Laboratory, the Central Glass and Ceramic Research Institute, the Indian Statistical Institute, the Saha Institute of Nuclear Physics, Asiatic Society, and many others. He was awarded the Padma Vibhushan in 1954. The same year, he was nominated a member of the Rajya Sabha. On his retirement from Calcutta University in 1956, he was appointed Vice Chancellor of Vishwabharati. In 1958, he was elected a Fellow of the Royal Society, London. In 1959, he was made the National Professor of Physics, with an office in the Indian Association for the Cultivation of Science. Bose lived a very simple life with his family, friends, and students. His 80th birthday was celebrated in a grand manner by many children and celebrities. He passed away the next month, creating a void in Indian science which would be difficult to fill. As a mark of respect, the Dhaka University in Bangladesh has set up a Bose Center with a museum which contains his famous correspondences with Albert Einstein, as well as some other personal belongings. After his demise, the Government of India established the S. N. Bose National Center for Basic Sciences in Kolkata in his memory. Many of his personal belongings have been gifted by his family to the archives in the S. N. Bose National Center for Basic Sciences in Kolkata and the Mongyo Bigyan Purishad. Towards the end of his life, he would often return to calculating a long series of numbers whose meaning eludes everyone,
like Newton, an amazing mind was voyaging through strange seas of thought alone. And this brings us to the end of this very interesting episode of DD Science. Please mail us your feedback on our show on ddscience@vigyanprasar.gov.in. You can also write in to us at Vigyan Prasar, A50 Institutional Area, Sector 62, Noida, UP 201309. For more details about our programs, please visit our website www.vigyanprasar.gov.in. I will see you again next time in DD Science. Till then, take care and bye-bye.